नगर के स्वरूप रानी अस्पताल में अराजकता का माहौल बना हुआ है। अक्सर मरीजों के साथ आए परिजनों से मारपीट होती रहती है। सोमवार को जूनियर डॉक्टर और पैथोलॉजी विभाग के कर्मचारी ही आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। सोमवार को लगभग 11 बजे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को पीट दिया। इसकी जानकारी जूनियर डॉक्टरों को हुई तो वे मेडिकल कॉलेज परिसर में एकत्रित हुए। जूनियर डॉक्टरों ने माइक्रोबायोलॉजी लैब के सामने पैथोलॉजी विभाग के कर्मचारियों की पिटाई करने के उद्देश्य से लोहे की रॉड और डंडा लेकर दौड़ा लिया। उधर पैथोलॉजी विभाग के कर्मचारी भी एकजुट हो गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। स्वरूप रानी में मारपीट की सूचना पर जॉर्जटाउन सहित कई थानों की फोर्स पहुंच गई। पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। यहाँ कुछ बच्चे जो है डीएमएलटी के ट्रेनिंग जो करते हैं यहाँ पे पैथोलॉजी डीएमएलटी डिप्लोमा इन 11 टेक्नीशियन के बच्चे आए, लगभग 50 और 100 लोग आए यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, लगभग 2-3 नियमों थे और सारे आर्थों के जेआर थे, सर्जरी के जेआर थे, मेडिसिन के जेआर थे। वो लोग आए अचानक से, पता नहीं किस बात के लिए अटैक किए हैं। यहाँ बहुत कुछ थोड़े फोड़े हैं, सबको मारे पीटे हैं, यहाँ तक हम लोगों को भी बहुत मारे हैं वो लोग। और सारे जेआर जो है चोटिल हैं, कुछ तो भर्ती हैं। हम यही कई लोगों को चोटें आई हैं, लगभग 8 से 10 लोगों को चोटें आई हैं। इमरजेंसी वार्ड भी तोड़ दिया है, इमरजेंसी वार्ड भी तोड़े हैं सब। यहां तक कि डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर एसपी सिंह भी मौके पर पहुंचे तो मामला कुछ शांत हुआ। उन्होंने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है जो जांच कर पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। मुझे संज्ञान में आया है कि एक हमारे ईएमओ यहाँ जो कार्यरत थे, ब्लड टेस्ट के लिए गए थे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ टेक्नीशियन है, दोनों के बीच में विवाद हुआ, विवाद के बीच में मारपीट हुआ। इसके बाद फिर एक दूसरे की तरफ उधर से एमएलटी के लोग काफ़ी स्टूडेंट एक साथ संख्या में आ गए ट्रामा सेंटर में, तो जो रेजिडेंट थे उनके साथ जो जो भी थे उनसे मारपीट होने लगी। तो उसी भी साथ में यहाँ के शीशा तोड़े, उसके लिए मैंने एक कमेटी गठित कर दिया है। और जो भी आइडेंटिफाई एक को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान किया है, तोड़फोड़ किया है, आपस में छोटी विवाद को लेके इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो जिनकी गलती उनके साथ साथ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। अब वो दो आपस में पता देखा, सबकी जाँच की जा रही है, सभी की जाँच की जा रही है कि मारपीट जो हुई है कौन कौन इन्वॉल्व है, उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हॉस्पिटल के यहाँ पूरे तरह से हॉस्पिटल में कम से कम मरीजों के साथ किसी तरह के कोई व्यवधान ना हो, वो ट्रीटमेंट उसमें नहीं होगा। ये चूड़ी यहाँ सभी सर्जरी डॉक्टर सभी अहमद मौजूद हैं, ट्रामा सेंटर इंचार्ज हैं ये, और ये यहाँ पूरी तरह से मरीज देखे जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी